हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। सो स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप विद इन 1 मिनट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बाय 3 प्लस 1 वाई माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 5 बाय 3 कोमा 1 बाय 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है और दो नंबर यहाँ पे है। तो इस टाइप से अगर ब्रैकेट में हम दो नंबर्स को या फिर दो वेरिएबल्स को लेते हैं तो कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स ये काउंटिंग में, 1 2। टू नंबर्स को या फिर दो वेरिएबल्स को इस टाइप से हम ब्रैकेट में लेते हैं कोमा लगा के, तो ये क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर। सो एक ऑर्डर्ड पेयर ये है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, जब उनके कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर इज एक्स प्लस 3 प्लस 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट्स, इस पेयर का 5 बाय 3। तो दोनों इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, जब एक्स बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 3 एंड वाई माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 3। वहां से हम दो इक्वेशन बनेंगे स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो दैट सिंस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, इफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे, जब उनके कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकेंड एलिमेंट दूसरे पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। सो एक्स बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 3 एंड वाई माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो एक्स बाय 3 इक्वल टू 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। एलसीएम लेंगे 5 बाय 3 माइनस 1, 1 कैन बी रिटन एज 1 बाय 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1, 1 5 जा 5 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 1 से 3, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 2 बाय 3। एक्स बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, या फिर आप 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो एक्स इक्वल टू 2। इसी टाइप से y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 बाय 3। एलसीएम आएगा 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 बाय 3 इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट B कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 3 4 5, मींस बी सेट में भी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ए एक ऐसा सेट है जिनमें 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में भी कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस किसके लिए आता है स्टूडेंट्स, कार्टिजन प्रोडक्ट के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करने हैं। सो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3। बी सेट में कितने एलिमेंट है, 3। 3 3 जा 9। देयरफॉर देयर आर 9 एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ जी एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है, 7 एंड 8। H इक्वल टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, G का और H का, H का और G का। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेट है G उसके एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, और जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट सेकंड नंबर पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जी क्रॉस एच में कौन से एलिमेंट आएंगे, जी सेट के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे और एच के सारे एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आएंगे। उनके जितने भी कम्बिनेशन आएंगे वो सारे एलिमेंट्स हमारे जी क्रॉस एच में आएंगे। एच क्रॉस जी में कैसे एलिमेंट आएंगे, पेयर ऑफ एलिमेंट्स
एच जो सेट है उसके एलिमेंट्स पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम जी सेट के एलिमेंट्स को राइट डाउन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, जी में कौन से एलिमेंट हैं? 7 एंड 8। एच में कौन से एलिमेंट है? 5, 4, 2। तो जी क्रॉस एच में कौन से एलिमेंट आएंगे? 7 के साथ हम 5 को लेंगे, फिर 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, 8 के साथ फिर 5 को, 8 के साथ 4, 8 के साथ 2। सो 7, 5 ऑर्डर्ड पेयर में हम राइट डाउन करते हैं, 7, 5 फिर कॉमा, मीन्स ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? 7, 4। थर्ड एलिमेंट 7, 2। फोर्थ 8 एंड 5। फोर्थ 8, 4। नेक्स्ट 8, 2। इस टाइप से हमारे पास जी क्रॉस एच के एलिमेंट आएंगे। एच क्रॉस जी में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? जस्ट इन एलिमेंट्स का प्लेस हम एक्सचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 5 को फर्स्ट प्लेस पे, 7 को सेकंड प्लेस पे, 4 को फर्स्ट पे, 7 को सेकंड पे, या फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 फर्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, 5 के साथ 7, 8 लेंगे, 4 के साथ 7, 8 लेंगे, और 2 के साथ 7, 8 लेंगे। सो एच क्रॉस जी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 8, 2, 7 एंड 2, 8। इस टाइप से हम जी क्रॉस एच और एस क्रॉस जी के एलिमेंट्स को राइट डाउन करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी इन जनरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमें यह बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो हमें उनको रीराइट करना है, दोबारा से उनको करेक्ट करके राइट डाउन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? पी एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है? एम एंड एन। क्यू एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है? एन कोमा एम। तो पी क्रॉस क्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? एम कोमा एन एंड एन कोमा एम, दो एलिमेंट आएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी स्टूडेंट्स? अगर पी में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2। क्यू में भी 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 × 2 मीन्स 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, बट यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट लिखे गए हैं। बट अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। वो एलिमेंट कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? P क्रॉस Q है तो P के पहले एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर, देन Q के एलिमेंट। M, M के साथ क्या लेंगे? N, फिर M के साथ क्या लेंगे? M, N के साथ क्या लेंगे? N, फिर N के साथ पेयर लेंगे N का। तो इस टाइप से हमारे पास 4 पेयर आएंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? पी क्रॉस की में क्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे? एम कोमा एन, एम कोमा एम, एन कोमा एन, एन कोमा एम। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ए एक ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है? -1, 1। तो हमें ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए के साथ, मीन्स ट्रिपलेट में हमें एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, इस ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में कौन से एलिमेंट हैं? -1, 1। नेक्स्ट ए में भी कैसे राइट डाउन करेंगे? -1, 1। फिर ए में कौन से एलिमेंट लेंगे? -1, 1। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले इस सेट का एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट सेट का एलिमेंट लेंगे -1। तो -1 के साथ कितने कम्बिनेशन पॉसिबल हैं? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट हैं यहाँ पे, 2 इस सेट में भी, 2 और इस सेट में भी 2। टोटल कितने सेट आएंगे स्टूडेंट्स? 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 हमारे पास ट्रिपलेट बनेंगे। कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे -1, -1 के साथ दूसरे ए का फर्स्ट एलिमेंट, तीसरे ए का फर्स्ट एलिमेंट, ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ए का फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स 1। -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1। आफ्टर दैट -1, 1, -1, -1, 1, 1। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर क्या करेंगे? इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने पेयर आएंगे स्टूडेंट्स? 9। सो देखिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए बी सी टाइप के, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तीनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे? ए सेट में से आएंगे। सो कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? -1, -1, -1, -1।
-1 -1 1, -1 1 -1. After that, -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 and 1 1 1. इस टाइप से हमारे पास 8 एलिमेंट्स आएंगे. किस फॉर्म में आएंगे? ये ट्रिपलेट फॉर्म में. आपको लिखना आ जाएगा स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे. जस्ट हमें एक एलिमेंट को वन टाइम राइट डाउन करना है, उसके बाद दूसरे दो प्लेसेस को चेंज करते जाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी. तो हमें क्या पता स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट आएंगे और बी सेट के सेकेंड एलिमेंट आएंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? ए ए बी बी. रिपीट कर रहे हैं सेट में. हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, वन वन टाइम राइट डाउन करते हैं. तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए एंड बी. बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट कौन से हैं? एक्स वाई एक्स वाई. तो एक्स भी टू टाइम है और वाई भी टू टाइम है. वन वन टाइम राइट डाउन करेंगे तो बी में कौन से एलिमेंट है? एक्स एंड वाई. सो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए कोमा बी. और बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स कोमा वाई. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 2 4, सी इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 and 6, डी सेट ऑफ एलिमेंट 5 6 7 8. वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंट सेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. क्रॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर इंटरसेक्शन. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में क्या वेरीफाई करना है? ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. मींस ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में लाई करेंगे. तो हमें ये दो पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स. सो ए पार्ट में कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 1 2, बी पार्ट में 1 2 3 4, सी पार्ट में, सी सेट में 5 6, डी सेट में 5 6 7 8. नाउ वी विल हैव टू शो दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. सो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. सो ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2. क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है स्टूडेंट्स? बी में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 हैं. तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. सो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 या फिर एम्प्टी सेट. अगर एम्प्टी सेट या 5 का इंटरसेक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई किसी सेट के साथ लेते हैं, ए क्रॉस 5 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? ऑलवेज 5 के इक्वल आएगा. ए क्रॉस 5 इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? ए क्रॉस सी के साथ. ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए का फर्स्ट एलिमेंट और सेट बी का सेकंड एलिमेंट. सो 1 1 1 2 1 3 1 4. नेक्स्ट 2 2 2 3 एंड 2 4. सो इस टाइप से हम एलिमेंट लिखेंगे ए क्रॉस बी के लिए. ये सारे एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे. ए क्रॉस सी में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? ए का फर्स्ट एलिमेंट और सी का सेकंड एलिमेंट. 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6. सो ये एलिमेंट आएंगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी के लिए. क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5. सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी 5 हमारा आंसर था और राइट हैंड साइड के लिए भी. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट ए सेट ऑफ एलिमेंट 1 2, बी सेट ऑफ एलिमेंट 3 4, राइट ए क्रॉस बी. हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी हैव? लिस्ट देम. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ए सेट के एलिमेंट 1 2 गिवन है, बी सेट के एलिमेंट 3 4. तो हमें ए क्रॉस बी को राइट डाउन करना है. तो ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट और बी सेट का सेकंड प्लेस पे एलिमेंट राइट डाउन करेंगे. सो कैसे लिखेंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4. इस टाइप से हमारे पास
फोर एलिमेंट्स आएंगे सेट ए क्रॉस बी में. आफ्टर दैट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट आएंगे, उन्हें उनकी हमें लिस्ट बनानी है. ये मीन्स राइट डाउन करके दिखाना है कि ए क्रॉस बी के कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, ए के एलिमेंट है 1 2, बी सेट के एलिमेंट है 3 4, ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या आएंगे 1 3 1 4, 2 3 2 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है. वी नो दैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू एम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में कितना आएंगे एलिमेंट स्टूडेंट्स 2 raised to power m. तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में या कितने सबसेट पॉसिबल हैं 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 मीन्स 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. सो कितने सबसेट आएंगे स्टूडेंट्स 16 सबसेट आएंगे. अब हमें क्या करना है, उन 16 सबसेट की लिस्ट बनानी है, उनको राइट डाउन करके दिखाना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी के सबसेट क्या होंगे, हमें पता है 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो एक हमारा सबसेट होगा 5, दूसरा सबसेट क्या होगा ए के सारे एलिमेंट्स का सेट, मींस ए खुद एक सबसेट आएगा. नेक्स्ट सबसेट क्या होगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को लेंगे, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को, फिर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, आफ्टर दैट सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ, आफ्टर दैट थर्ड फोर्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, आफ्टर दैट 3 3 के पेयर बनाएंगे, आफ्टर दैट 4 एलिमेंट्स को लेंगे. सो 2 2 के पेयर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, 1 3 5, एक तो सबसेट क्या आएगा 5, एक पूरा सेट ए खुद का सबसेट होगा. आफ्टर दैट 1 3 and 1 4, 1 3 1 4, आफ्टर दैट 1 3 2 3, 1 3 2 4. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट 1 4 2 3 1 4 2 4 and 2 3 2 4, 2 2 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे. अब हम क्या करेंगे, 3 3 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 1 3 comma 1 4 comma 2 3. अब क्या करेंगे, 1 2 4 लेंगे, 1 3 1 4 and 2 4. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 3 1 3 2 3 and 2 4. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 4 2 3 and 2 4, 1 4 2 3 and 2 4. आफ्टर दैट हम चारों एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे. इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने सेट सबसेट आए स्टूडेंट्स, 16 सबसेट. इस टाइप से आप इजीली लिस्ट को राइट डाउन कर सकते हैं. अगर आपने स्टूडेंट्स एक बार भी इस लिस्ट को ध्यान से राइट डाउन कर लिया तो आपको कभी भी इनकी लिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज 9 एलिमेंट्स अलोंग विच वी फाउंड दैट -1, 0 and 0, 1, फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी में टोटल 9 एलिमेंट हैं, जिनमें से -1, 0 and 0, 1 भी एक एलिमेंट है. तो हमें क्या करना है, ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को भी राइट डाउन करना है. तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, उनका जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा सेम एलिमेंट के साथ होगा. तो आप देख सकते हैं एक एलिमेंट यहाँ पे माइनस वन है, जीरो है, 0 और 1 है. तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 डिफरेंट नंबर कौन से हैं, -1, 0 और 1. तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, -1, 0 and 1. अब देखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट ए. हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी में टोटल 9 एलिमेंट है, तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3. इट इज गिवन दैट -1, 0, 0, 1 आर 2 एलिमेंट्स अमंग द एलिमेंट्स ऑफ 9 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस
बी। एंड वी नो दैट ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, ए कोमा ए टाइप के आएंगे वेयर ए बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर, कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, माइनस वन जीरो एंड वन, ये तीन एलिमेंट आएंगे। सो सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट माइनस वन जीरो एंड वन। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, हम ए का कार्टिजन प्रोडक्ट ए के साथ निकालेंगे, जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे उनमें से रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। टोटल नाइन एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं, तो रिमेनिंग जो सेवन एलिमेंट हैं वो ये आएंगे। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, अगेन ए सेट के एक बार और एलिमेंट लिखेंगे, उनके ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को राइट डाउन करेंगे, तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे माइनस वन माइनस वन, माइनस वन वन, जीरो माइनस वन जीरो जीरो, वन माइनस वन वन जीरो एंड वन वन। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ए सेट के एलिमेंट क्या है, माइनस वन जीरो वन, अगेन राइट डाउन करेंगे माइनस वन जीरो वन। क्रॉस में कैसे एलिमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस वन को माइनस वन के साथ, माइनस वन जीरो माइनस वन वन, आफ्टर दैट जीरो माइनस वन जीरो 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 वन, वन माइनस वन वन माइनस वन वन जीरो एंड वन वन। इस टाइप से नाइन कॉम्बिनेशन आएंगे, नाइन में से टू हमें दे रखे हैं, रिमेनिंग ये कॉम्बिनेशन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।